दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ के स्क्रीन पर। आज मैं आपके सामने जो हमारा विशेष प्रोग्राम है देश की दशा और दिशा, यह प्रोग्राम लेकर आया हूं। आज मेरा यह प्रोग्राम आपके सामने लेने के आने का एक मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। लगभग भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए जो तीन पक्षों को लेकर बनी हुई सरकार है, जिसे हमारे यहाँ आघाड़ी सरकार भी कहा जाता है, और इसमें लगभग शिवसेना के समर्थन में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, यह दो पार्टियाँ शिवसेना को समर्थन करके एक तीन पक्षों की सरकार चला रही है। अब इस सरकार को लगभग मान के चलिए कि अभी तक के 2 से 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सरकार बनने के बाद यह सरकार ने सबसे पहला लॉकडाउन देखा है, कोविड महामारी देखी है, काफ़ी बहुत सारी जद्दोजहद देखी है, और यह 3 साल की जो अभी चलने वाली जो सरकार है इसको गिराने के लिए हर यथासंभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि यह जो यथासंभव जो प्रयास किए जा रहे हैं, अब इसकी जो CBI की एक टीम है जो गोंदिया में पहुँच चुकी है, गोंदिया और भंडारा यह ज़िले में सेंट्रल की जो CBI की टीम है वो पहुँच चुकी है। अब यह टीम क्यों पहुंची है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, यह मैं आपको भी बता रहा हूं। ये जो पूरा मामला है, यह विदर्भ यानी महाराष्ट्र का पूर्वी जो हिस्सा कहा जाता है, जिसमें लगभग नागपुर, वर्धा, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, इन ज़िलों में महत्वपूर्ण तौर पर अगर कोई फसल ली जाती है तो वह ली जाती है धान की फसल। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो किसानों की जो फसलें होती है पश्चिम महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या बिहार में, झारखंड में, कहीं भी जहां भी फसलें होती है, वहां का जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है, वहां का जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर होता है या वहां का बारिश किस तरीके से होती है और ज़मीन में किस तरीके की उपज हो सकती है, इस पर डिपेंडेड होती है वो फसलें। तो लगभग गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर का कुछ इलाका और ऐसे कई जगहों पर केवल धान की फसलें की जाती है, जहां चावल की पैदाइश बड़े पैमाने पर होती है। अब यह चावल की पैदाइश होती है विदर्भ के पूर्वी इलाके में, और पूर्वी इलाके का नेतृत्व करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है नाना पटोले। फिलहाल नाना पटोले साकोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। इसके पहले वो गोंदिया भंडारा लोकसभा के केंद्र की जो पहली जो सरकार, मोदी की जो पहली सरकार थी, उसमें वह लगभग सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने गोंदिया भंडारा लोकसभा से चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, और लगभग उन्होंने प्रफुल्ल पटेल जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, उनको उन्होंने कड़ी टक्कर देकर उन्होंने काफ़ी मतों से उन्हें हरा दिया था। लेकिन फिर भी प्रफुल्ल पटेल जो है वह अभी भी राज्यसभा सांसद है, क्योंकि वह उस दौर में राज्यसभा सांसद का जो मनोनीत जो चुनाव वगैरह होता है उससे वो राज्यसभा में फिर से चले गए हैं। वो दिल्ली की राजनीति में रहते हैं, लेकिन नाना पटोले जो है वह दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा दिन सक्रियता से रह नहीं पाए, और उन्होंने लगभग 6 महीने उनके बचे हुए थे, और ऐसे में उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सबसे पहले किया कि जिस पार्टी को त्यागा था उसी पार्टी में वापस रिटर्न टू पमेलियन पहुंच गए। किसान युवा मोर्चा के वो देश के जो केंद्रीय जो संगठन है उसके अध्यक्ष भी बने। हाल ही में उन्हें जब वो साकोली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े तो उन्हें फिर से बहुमत, उन्होंने भाजपा के एक उम्मीदवार को हराया और वो विधायक बनकर फिर से महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें सक्रियता से अपनी भूमिका में आ गए। उन्हें पहली बार लगभग 1 साल पहले उन्हें महाराष्ट्र का स्पीकर भी बनाया गया था, उन्हें एक महाराष्ट्र की विधानसभा का अध्यक्ष का भी पद दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद उनका वो पद बदल दिया गया और अभी कांग्रेस पार्टी ने, जो भारतीय कांग्रेस है, उन्होंने उसे केवल अभी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया हुआ है। अब ये जो मैं आपको ये सारा जो घटनाक्रम बता रहा था, ये सारे घटनाक्रम में अब 2 विधायक ऐसे हैं जो साकोली विधानसभा क्षेत्र को नेतृत्व करते हैं नाना पटोले, और तुमसर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं कारे मोरे। यह राजू कारे मोरे जो है, यह जो चुनाव हुआ था पिछली बार का जो विधानसभा का, उसमें इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस से चुनाव लड़ा
और चुनाव लड़ने के बाद यह सक्रियता से राष्ट्रवादी के एक सक्रिय विधायक के तौर पर काम मैंने उन्होंने अपने काम को गति दे दी। अब यह सारे पूरे मामले में यह दो जो विधायक है इनकी सीबीआई की अभी जो केंद्र की जो सीबीआई की टीम आई हुई है धान घोटाले की जो जांच हो रही है उसमें यह दोनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है और यह मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब तक के किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस पूरे मामले में किसी को तो पता भी नहीं होगा कि गोंदिया और भंडारा में सीबीआई की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीबीआई की दिल्ली की जो टीम है ना कि वो सीबीआई की मुंबई वाली टीम है वो दिल्ली से आई हुई टीम है वह कागज़ खंगाल रही है। और वह कागज़ क्या क्या खंगाल रही है वह मैं आपको भी बता देता हूँ। ये कागज़ खंगाले जा रहे हैं लगभग 2012-13 में जो राइस मिलर्स होते हैं इन्होंने TDC जो आदिवासी विकास महामंडल है महाराष्ट्र का उनसे जो धान लिया हुआ था मिलिंग करने के लिए जो धान लिया हुआ था वो अब तक के उन्होंने सरकार में मिलिंग करके चावल को CMR को जमा नहीं किया है और उसी आधार पर यह सारी इंक्वायरियाँ हो रही है। किसानों ने जो 7-12 जमा किया हुआ था सारे सोसाइटियों से 7-12 इकट्ठा किए जा रहे हैं। इवन जितनी भी राइस मिलर्स जो अपना LD होता है जो इनका एक जब लॉट पटाए जाते हैं तब इन्हें एक LD फाड़ कर दी जाती है और वह फिर दूसरे धान के जो लॉट होते हैं उन्हें लेने के लिए उनके पास वो LD एक प्रूफ प्रमाण होता है और ये प्रमाण के आधार पर ही उन्हें अगली बार धान उठाने के लिए फिर अनुमति दी जाती है। लगभग ये जो सारा जो मामला है यह मामला एक मिला जुला सरकार जैसा चलता है। दर्शकों मैं इसके पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ और आपको अभी मैं जो नई CBI की टीम आई हुई है और वो CBI की टीम क्या क्या कागज़ खंगाल रही है वो कागज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बता देता हूँ। लगभग 199 करोड़ रुपए का धान का घोटाला किया गया था और ये घोटाला करने वाले कौन थे तो सचिन कारे मोरे है। 9/5/2014 को इन्होंने TDC के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ था और वह एग्रीमेंट में इन्होंने नेरियल राइस मिल का इनका जो गोदाम था वो गोदाम इन्होंने सरकार को किराए से दिया था लीज पर दिया हुआ था और उसका वह सरकारी जो PWD विभाग है लोक निर्माण विभाग है उसके आधार पर जो भी उसका किराया होता था वो तय किया गया था। यह मेरे पास जो कागज़ है जो जिन पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये तारीख बता दी है मैंने 9/5/2014 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आदिवासी विकास महामंडल ने उसके गोदाम को किराए से लिया हुआ था सचिन कारे मोरे के सचिन खुशाल कारे मोरे। अब ये सचिन खुशाल कारे मोरे कौन है वह भी CBI बहुत गहराई से जांच रही है और जिस केस पर अभी मैं जो स्टडी आपको जो बता रहा हूँ जो कागज़ मेरे पास है इस स्टडी के आधार पर उसने अभी तक के उनकी जमानत नहीं हुई है। यह सचिन कारे मोरे किस अभी मैंने आपको दो नेताओं के नाम बताए हैं। लगभग एक था नाना पटोले जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के भारतीय कांग्रेस के और दूसरा नाम बताया मैंने आपको कारे मोरे करके जो है जो विधायक है और वह है राष्ट्रवादी कांग्रेस के। इन दोनों ही विधायकों की अभी मुश्किलें बढ़ने वाली है और यह दोनों की जो मुश्किलें बढ़ाने का जो काम है CBI गहराई से जांच करने वाली है और CBI हर एक कागज़ भी खंगाल रही है। अभी मैं आपको बता दूं कि जो सचिन कारे मोरे है इनके यहाँ लगभग 12,245.60 क्विंटल देवरी से ट्रक से और बाकी अन्य वाहनों से धान को TDC ने ट्रांसपोर्ट किया। ट्रांसपोर्ट करने का कारण यह था कि आदिवासी विकास महामंडल के पास जो देवरी करके जो वहाँ उनका जो सेंटर है वहाँ बारिश आने के पहले इन्होंने वो धान जो था वह इन्होंने नेरियल राइस मिल के गोडाउन का एग्रीमेंट करके वहाँ धान को शिफ्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट कर दिया ताकि उनका वह धान वहाँ सुरक्षित रहे। लेकिन वहाँ धान तो सुरक्षित रहा नहीं लेकिन जब भी देवरी से गाड़ियाँ निकलती थी ट्रक धान लेकर भर कर वहाँ से गाड़ियाँ रवाना होती थी भंडारा के लिए नेरियल राइस मिल के लिए रवाना होती थी लेकिन नेरियल राइस मिल में कभी भी गाड़ियाँ पहुँचती नहीं थी। और उसी दौरान लोकसभा का चुनाव भी शुरू था 2014 का
क्योंकि यह जो मैं आपको जो प्रकरण बता रहा हूं, यह 12-13 का जो हंगाम होता है जिसमें यह धान का किसानों का धान लिया जाता है और उसको किस तरीके से सरकार की ही एजेंसियां अफरा तफरी करती है, इस पर मैं आपको बताने वाला हूं। लगभग ये जो सारा जो मामला है, यह पूरे मामले में नेरियल राइस मिल का जो सचिन कारे मोरे है वह एक लेटर जारी करता है 24/4/2015 को, और वह कहता है कि भाई आपका 12,245.67 क्विंटल जो धान था, मैंने उसका 76% के हिसाब से चावल बना दिया है और वह चावल मैं FCI को जमा करने के लिए तैयार हूँ। यानी सचिन कारे मोरे के यहाँ सरकार एग्रीमेंट करती है, एग्रीमेंट करने के बाद उसको जब चावल यानी जो धान रखने की अनुमति दी जाती है, ना कि उसको मिलिंग का एग्रीमेंट किया हुआ था। यह TDC का एग्रीमेंट ही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि यह TDC के जो केस है इसमें जो राजूर कर करके TDC के उप प्रादेशिक हुआ करते थे, उन्होंने भी क्या क्या गोलमाल किया है, मैं दर्शकों आपको सिलसिलेवार खुलासे करते रहूँगा। आप हमारा जो प्रोग्राम है देश की दिशा और दशा यह देखते रहिए, इसमें आपको धान घोटाले के बड़े बड़े नेताओं के शिकंजे कसने की हर एक पहलू की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब इसमें जब राजूरकर ने बताया, यानी जो सचिन कारे मोरे ने कहा कि भाई मेरे पास जो आपने धान रखा था किराए से, वह मैंने मिलिंग कर दिया है और वह मिलिंग करने के बाद अब मैं उसका चावल जमा करने वाला हूँ, लेकिन उसकी एक FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी, जो भंडारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी, और उसमें लगभग आरोपी बनाए गए थे प्रादेशिक के जो ये थे व्यवस्थापक दानी करके, वह भी एक आरोपी है, पहले आरोपी है। दूसरे आरोपी उसमें बनाए गए हैं सचिन खुशाल कारे मोरे को, जिसका गोडाउन मालक था। रोशन कारे मोरे को आरोपी बनाया गया है, वह वाहतुक का यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट था यह रोशन कारे मोरे के तरफ दिया गया था। उसके बाद दीनदयाल गणपत मरस कोल्ले को चौथा आरोपी बनाया गया है, और पांचवा आरोपी इसमें AA अगड़े करके है, ये माजी प्रभारी उप प्रादेशिक व्यवस्थापक देवरी रह चुके हैं। लगभग ये 5 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था। लगभग इन्होंने 12,245.76 क्विंटल का जो धान था उसको इन्होंने वहाँ उस गोडाउन में जमा करने के बजाय सीधे तौर पर सरकारी गोदाम से माल निकलता था नेरियल राइस मिल के लिए, और वहाँ से सीधे तौर पर यह ओपन मार्केट में बेच के इन्होंने पूरा पैसे का अफर तफर किया हुआ था। यह था पूरा मामला। यह मामले में अब मैं आपको और एक चौंकाने वाली बात बताने वाला हूँ। लगभग 12-13 में जिन लोगों ने, राइस मिलर्स ने, जिनको मिलिंग के लिए धान दिया गया था, जिन्होंने अभी तक के चावल सरकार को जमा नहीं किया गया है, ऐसे भी जो मिलर्स हैं उनकी भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, उनके भी नाम बताने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी मिलर्स हैं इनको 15-16 में, 17-18 में जब ये ब्लैकलिस्टेड थे, इन्होंने CMR पटाया नहीं था, फिर भी इन लोगों के तरफ जो धान बावजूद मौजूदा स्थिति में इनके तरफ चावल बाकी रहने के बाद भी इनको फिर से मिलिंग के काम करने के लिए दिए गए। कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल थे, यह सारी चीज़ों का खुलासा सिलसिलेवार होता रहेगा। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रही है MNS न्यूज़ के साथ।